अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज डे 3 है फ्रॉम टर्की इस्तांबुल टू ओस्लो। इस वक्त जनाब मैं अपने पूरे सामान के साथ रेडी हूँ और अभी सामने जो है ये हवेस की बसें खड़ी हुई हैं। यहाँ से जनाब अभी हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट। चेक इन मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन कर लिया है इनकी वेबसाइट से ही। अभी क्योंकि टाइम है 8:05 पे फ्लाइट है, अभी यहाँ पे हो रहे हैं तकरीबन 4:45। मैं तो जनाब बस में बैठ चुके हैं और अभी एयरपोर्ट की तरफ गामजन है। वाइल कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट टू इस्तांबुल वाली साइड पे डायरेक्ट बस होती है, लेकिन जाते हुए ये 3 से 4 इसके स्टॉप ओवर हैं जहाँ से ये पैसेंजर्स को जो है ट्रैवल पैसेंजर्स को पिक करती हुई जाती है। तो अभी तकरीबन 15 मिनट हो गए हमें ऑलरेडी जर्नी स्टार्ट हुए, तो मेरा ख्याल है अभी 25 मिनट और लगेंगे या 30 मिनट। जी जनाब, इस वक्त एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिफोर टाइम ही मैं पहुंच गया हूं, क्योंकि जर्नी जो थी वो तकरीबन 45 से 47 मिनट की थी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सर जी देखें, इनका वाकई जनरली तारीफ़ के काबिल है। इंतहाई खूबसूरत एयरपोर्ट और बहुत ही जाइगेंटिक साइज है भाई, बहुत ही मेगा साइज का एयरपोर्ट है ये। अभी बाहर से इसके देखें, इस वक्त जो है मैं ये गेट नंबर 4 पे खड़ा हूँ। ये बाहर से जी जैसे ही आप एंटर होते हैं तो ये इमिग्रेशन इमिग्रेशन तो नहीं है, इनिशियल जो सिक्योरिटी चेक काउंटर है ये भी देखिए 30 काउंटर यहाँ पे बने हुए हैं इस एक गेट के ऊपर। इससे आगे जाएंगे तो इसका मुख्य काउंटर बने हुए हैं ये यहाँ पे जी। बोर्डिंग पास के बाद जैसे ही आपकी इमिग्रेशन वगैरह क्लियर होती है तो आप अपने गेट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर ये चेकट है, ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड्स के साथ इनके नंबर चेंज हो रहे हैं। पिछले अभी काफ़ी देर से इसको खड़ा हुआ यही देख रहा हूँ। ले जनाब, इस वक्त अभी क्राफ्ट के अंदर जो है बोर्ड होने लगे हैं। फ्लाइट बिल्कुल 100% ऑन टाइम है, 1 मिनट का भी डिले अभी तक तो नहीं दिखा रहा। 8:05 पे है और अभी 7:50 हुए हैं, तो अभी हम जस्ट गेटिंग इन साइड द क्राफ्ट और इंशाल्लाह मज़ेदार सी फ्लाइट इंजॉय करेंगे जनाब। 3 आवर्स एंड 20 मिनट की फ़्लाइट है और उसके बाद इंशाल्लाह ओस्लो एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएंगे। यार एयरपोर्ट तो बड़ा था ही था, ये टर्मिनल हैंगर जो है भाई इसमें भी चल चल के हालत हो गई है। यहाँ से देखें और पीछे से भी देखें, अच्छा खासा बड़ा है। टर्की का ऊपर से व्यू है सारा, जैसे टेक ऑफ किया है नीचे देखिए खूबसूरत जो है लैंडस्केपिंग है, बहुत ही प्यारा व्यू है। ये जी हम ओस्लो पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट सिर्फ 2 मिनट की और फ्लाइट है। जो अभी यहाँ पे टाइम दिखा रहा है हमें उसके मुताबिक अभी सिर्फ रह गया है जनाब ग्राउंड स्पीड 150 mph आ गई है और 1481 एप्टीट्यूड है इसका। 1 मिनट की रह गई है जनाब फ्लाइट 3 माइल्स अवे। ये पूरे का पूरा ओस्लो सफ़ेद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रीच टू ओस्लो सेफली, अभी जब लैंड किए हैं अभी जा रहे हैं जनाब पासपोर्ट कंट्रोल और बैगेज क्लेम की तरफ। ये जनाब बाहर का एनवायरनमेंट है, काफ़ी ठंडा वेदर लग रहा है यहाँ पे अभी इस वक्त जो है। अभी अंदर ही है, टर्मिनल में ही है, लेकिन यहाँ ही अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है। बाहर निकलते हैं तो देखते हैं जनाब क्या सीन है। इमिग्रेशन भी हो गई जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिक आई वाज स्लाइटली स्केप्टिकल के, क्योंकि मेरे से पहले 2-3 लोगों के 15-20 मिनट से उन्होंने खड़े करके रखा है, तो उन्होंने सिंपली बस पासपोर्ट लिया है। भाई का पूछा है कि भाई जो है, क्योंकि वो पहले ट्रॉनहेम में था, ट्रॉनहेम से वो ओस्लो मूव हुआ है,
तो उन्होंने पूछा जी ट्रॉन्डहेम जा रहे हो, मैंने कहा नहीं जी ओस्लो, तो उन्होंने रिकॉर्ड देखा, उन्होंने कहा ठीक है बिजनेस ट्रिप या पर्सनल ट्रिप, आई सेड पर्सनल, ये बस 2 से 3 मिनट लगे हैं हार्डली कोई। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे नजर आई, इंतहाई ठंड प्रोग्राम है सर जी, ये देखें ये सेंटर में जो है ना सारा इस साइड पे आ रहा है, हर चीज़ यहाँ पे चिल लग रही है मुझे, जिस तरह टर्की में या दुबई के अंदर जो है वो मारा मारी चल रही होती है, भागम भगाई वो वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे। एयरपोर्ट इनका भी बहुत बड़ा है, ये अगर आप देखें तहद्दे निगाह जो है वॉक ही वॉक नज़र आ रही है अभी तक तो, लेकिन यहाँ पे यह है कि कोई वो धक्कम बेल वाला चक्कर नहीं है, बहुत आराम से सुकून से चिल माहौल, ठंड प्रोग्राम है सर, मौसम भी ठंडा वैसे भी ठंड प्रोग्राम। ये चीन की बुलेट ट्रेन है, काफ़ी फास्ट है, ये एयरपोर्ट से डायरेक्टली जाती है, और ये इनका ट्रैम है जी, अब मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे सारे पैसेंजर्स एयरपोर्ट से उतरने के बाद इधर ही आके खड़े हो रहे हैं, और यहाँ से डायरेक्टली जाता है। इस साइड पे अगर आप देखें तो ये वाइट वाइट जो आपको नज़र आ रहा है ये सारी जो है स्नो हुई हुई है, बर्फ़ पड़ी हुई है, काफ़ी हद तक जो है अभी वेदर यहाँ क्लियर हो गया, बट स्टिल अभी भी अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही है। जैकेट पहनी हुई है लेकिन कानों के लिए कुछ अभी मेरे पास नहीं था, तो फुल ठंड लग रही है सर इस वक्त, कान एकदम रेड हो गए हैं, अच्छी खासी ठंडी है यहाँ पे भी इस वक्त भी, वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये है जनाब इनकी ये पूरी ट्रेन, VY के नाम से ये चलती है यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर जो है आप एयरपोर्ट से डायरेक्टली ओस्लो के किसी भी एरिया में जा सकते हैं। तो मैंने अस्कर में जाना है, तो मेरी अभी जो बुक हुई हुई है वो ये है, ये जनाब आ रही है RE10 अस्कर, 12:10 पे आएगी। ये जनाब हमारी ट्रेन आ गई है, 12 मिनट लेट हुई है, लेकिन एडवांस में ही उन्होंने बताया कि 12 मिनट लेट है। ये जिस वक्त मैं ओस्लो सिटी में एंटर हो गया हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है, अभी ट्रेन में ही हूँ, और ट्रेन भी नहीं मसला, बहुत ज़बरदस्त है जी ये पूरे, यहाँ पे भी सारा जो है